सीतापुर मुख्यालय स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आ रही भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी बैठक करी गई है। राष्ट्रीय सचिव, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी तथा राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री धीरज गुर्जर और प्रांतीय अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने संबोधित किया है। धीरज गुर्जर ने अपने संबोधन में बहुत सारी बातें कही, वहीं नकुल दुबे ने भी अपनी बात रखी है। आइए देखते हैं यह पूरी खबर संवाददाता ललित कुमार के साथ। उत्तर प्रदेश में 3 तारीख को सुबह 9 बजे लोनी गाजियाबाद जिले से प्रवेश कर रही है, उसकी तैयारी की बैठक के लिए जिला कमेटी, शहर कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष, जिले के महत्वपूर्ण लोग, वरिष्ठ नेता, उम्मीदवार सबकी एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर रखी गई थी। हमारे अवध प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नकुल दुबे जी के साथ में यहाँ पर पहुँचा। हमारे प्रभारी सुबोध श्रीवास्तव जी आदि सब ने व्यवस्था करके सभी जिले के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया, नेताओं को यहाँ पर बुलाया और हम लोगों ने आपस में चर्चा करने के बाद में तय किया है कि सीतापुर से हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक और पदाधिकारी राहुल गांधी जी की यात्रा के अंदर हिस्सा लेने के लिए राज्य यात्री के रूप में भी और अतिथि यात्री के रूप में भी लोनी गाजियाबाद 3 जनवरी को सुबह 9 बजे पहुँचेंगे और एक इतिहास बनाएंगे इस देश के अंदर। भारत जोड़ो यात्रा जो है कितनी सफल होगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इतनी सफल हो चुकी है कि उसको रोकने का प्रयास करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को चाइना से कोरोना यहाँ पर मंगाना पड़ रहा है। क्या लगता है, जब राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करी थी उस दिन का दिन लेकर आज का दिन है, इस देश को एक रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी जी के साथ लाखों लोग सड़कों के ऊपर चल रहे हैं और ये चलते हुए कदम बता रहे हैं कि इनकी उड़ती हुई धूल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर लोगों में नफरत पैदा करी वो सब साफ हो जाएगी। अजय राजी पर जो मुकदमा हुआ है, क्या कहेंगे इसको? इस प्रदेश के अंदर जिसने भी आवाज़ उठाई है उसको मुकदमों से डराने का प्रयास किया है, पर ये भूल गए कि जो ना डरे थे गोरों से वो क्या डरेंगे चोरों से। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्या करेगी? लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी लड़ने की पूरी तैयारी करेगी। कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा रहा है, संगठन में बदलाव किए जा रहे हैं, नई टीम बन रही है और उसके बाद हम लोग चुनाव में उतरेंगे। मुझे विश्वास है कि जो संघर्ष हम लोग लोगों के लिए करेंगे उस संघर्ष के रूप में जनता में आशीर्वाद देंगे। भाजपा कह रही थी 2022 तक किसानों की आय बढ़ेगी, लेकिन 2022 आ गए, 2024 सरकार भी बन गई दोबारा। भाजपा ने जाकर वो करके दिखाया, किसानों की तो नहीं पर अंबानी और अडानी की आय जरूर बढ़ा दी। इस देश के अंदर अगर किसी की आय बढ़ी है तो अंबानी की बढ़ी है, अडानी की बढ़ी है, उद्योगपति की बढ़ी है, और अगर किसी की घटी है तो किसान की, मजदूर की, कारीगर की और कमजोर की और मजदूर की घटी है। जी, सीतापुर में अभी कल एक दुर्घटना हुई है, रिमसा में उसके बारे में जानकारी हम लोगों ने लिया है और बच्चे 4-5 बच्चों ने मैंने सुना था उसमें 3 साल डेथ हो गई है। मैंने यहाँ के पूर्व अध्यक्ष अनिल दीक्षित जी कहा, अनिल दीक्षित जी को मैंने अनुरोध किया कि उन्होंने साथ एक कमेटी बना ले 4-5 लोगों की और इस पूरे प्रकरण की जांच करके रिपोर्ट हमको हमारे गुर्जर साहब को 2 दिन के अंदर दें ताकि हम लोग इस प्रकरण की सच्चाई जान सकें। 7 लोग जेल चले गए हैं लेकिन पूरे प्रकरण की सुनवाई लीपापोती की जा रही है। बच्चों को शव को उनके परिजनों को न दे करके उनको क्या बोलते हैं आपके हवाले कर दिया गया, तो हाथों वाला कांड कहीं ऐसा हमें सीतापुर जोड़ा है भगाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन लगातार हमारी सूचना हमको सूचना मिली है कि प्रशासन लगातार इस घटना को छुपाने काम कर रहा है, तो मैं अपने मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध करूँगा कि छोटे छोटे बच्चों की जान का सवाल है तो आप लोग भी।